देरी से लॉन्च लेकिन चंद्रयान 3 से पहले कैसे चांद पर पहुंचेगा रूसी मिशन। रूस के स्पेस चीफ यूरी बोरिसोव ने बताया कि लूना 21 अगस्त को चांद की सतह को छू सकता है। लूना 25 मिशन 11 अगस्त शुक्रवार को सुबह 4 बजे लॉन्च किया गया था। पहले इसके 23 अगस्त के चांद की सतह को छूने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसके 21 अगस्त को वह पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जबकि चंद्रमा की सतह को छूने के लिए निकला चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतर सकता है। आखिर सवाल यह है कि लगभग 1 महीने बाद भी लॉन्च होकर लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले चांद की सतह पर छूने में कैसे कामयाब होंगे। रूसी मिशन चांद की ओर 5.5 दिन का सफर पूरा करेगा। वो 100 किलोमीटर के कक्ष में 3 से 7 दिन बिताने के बाद चांद की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान 3 मिशन रूसी लूना 25 मिशन के बाद में चांद की सतह पर पहुंच सकता है। इसकी वजह यह है कि चंद्रयान 3 लूना 25 मिशन की तुलना में लंबा रास्ते से सफर कर रहा है। दरअसल चंद्रयान 3 अपने सफर के जरिए पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का लाभ लेना चाहता है। उससे यह काफी कम ईंधन पर सफर करेगा। हमने लूना 25 के जल्दी चांद पर पहुंचने से जुड़े सवालों पर रीचिंग फॉर द इंडियाज जर्नी टू मार्स एंड बिहाइंड के लेखक और विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला से बात की तो उन्होंने कहा, ये रॉकेट के ताकतवर होने का मामला है। रूसी रॉकेट ज्यादा बड़ा है, हमारे रॉकेट बहुत ही छोटे हैं। लिहाजा हमारा रॉकेट चंद्रयान 3 को इतने वेग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा रफ्तार से चांद की ओर जा सकेंगे। उन्होंने कहा, ताकतवर और बड़ा रॉकेट ज्यादा खर्चीला है, इसलिए भारत ने छोटे रॉकेट्स के जरिए अपना मकसद साधने का प्लान बनाया। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत ने मौका नहीं गवाया। इसने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने मिशन को लॉन्च कर दिखाया। ये भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धि है, जबकि रूस की तुलना में ये अंतरिक्ष मिशन के मामले में छोटा खिलाड़ी है। इसरो ने लूना 25 की सफल लॉन्चिंग पर रोस्कोस्मोस को बधाई दी। इसरो ने ट्वीट कर दिखाया, लूना 25 की सफल लॉन्चिंग पर रोस्कोस्मोस को बधाई दी। अपने अंतरिक्ष यात्राओं को मिलने की जगह को होना आदरित है। पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा। रूस इससे पहले 1976 में चांद को मिशन लूना 24 पहुंचा चुके हैं। अभी तक मून मिशन के तहत छोड़े गए हैं। अंतरिक्ष यान इसके इन्वेक्टर तक ही पहुंचे हैं। पहली बार होगा कि कोई मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। जब 1976 में लॉन्च किया गया लूना 24 चांद के करीब 170 ग्राम मिट्टी लेकर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौटा था। अंतरिक्ष विज्ञानी व्लादिमीर सोर्डिन का कहना है कि लूना 25 मिशन की सफल की संभावना 50% है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।